कुछ पुस्तकें मैंने पढ़ा जो मेरे जीवन का जो है ना एक पुस्तक है, कभी पढ़ना कभी मौका मिले तो बहुत ही शानदार है। उपन्यास मैं बहुत पहले पढ़ा था, उसका हिंदी अनुवाद मैंने किया। मेरी पुस्तक है अपद्य प्रभव, उसमें हमने हिंदी अनुवाद दिया हुआ है। उस पुस्तक का नाम है जॉनथन लिविंगस्टन सीगल। लिख लो डॉक्टर साहब, पढ़ना जरूर। जॉनथन लिविंगस्टन सीगल पढ़ा है आपने? बहुत कमाल की, इतना पावरफुल पुस्तक है और कितना इतनी पतली सी है, एकदम जीवन को जो है उसमें एक सागर पंछी की कहानी है जो सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ उड़ने पर अपने जो है ना ध्यान देता है। उसके माता पिता कहते हैं अरे तुम्हारा जीवन काहे के लिए है, आराम से बच्चे पैदा कर, शादी कर, अच्छी तरह से रह, ये क्या उड़ने उड़ने के चक्कर में रहता है। कहता है नहीं, मुझे उड़ने से प्यार है। उसको याद करते हैं तो रोआ रोआ रोमांचित हो जाता है। इतना बढ़िया पुस्तक रिचार्ड बाक की लिखी हुई है, जो नोवेलिस्ट रहा है, नोबेल पुरस्कार विजेता। तो ये ध्यान रखो कि हमारे अंदर इतनी क्षमताएं हैं और उस लेखक के ऊपर वैज्ञानिक खोज हुआ, ये आप लोग आश्चर्य बताता हूं मैं। उसके लिखने के करीब 20-25 साल के बाद उस रिसर्च को हमने पढ़ा कि कितना कि कैसे यानी आदमी कैसे टाइम स्पेस बियॉन्ड टाइम हो सकता है। तो मेमोरी को बढ़ाने के लिए एक्सरसाइज करो, खान पान को सही रखो। खान पान में क्या खाओगे? जो मेमोरी के आकार के दिमाग के आकार के जो ना आहार होता है, एक को बोलते हैं अखरोट, उसका नाम ही हमने नाम दिया है, क्या नाम दिया है? ब्रेन नट। उसको हमने नाम दिया है ब्रेन नट, अखरोट खाओ। और ब्रेन नट की एक बहन होती है जिसको क्या बोलते हैं? पिकॉन नट। क्या बोलते हैं? हाँ, वो बिल्कुल अखरोट जैसा ही होता है। पिकॉन नट कौन कौन खाया है जहां हाथ उठाना? हाँ, तो वो दिमाग को क्यों फिर इसका क्यों वो क्यों दिमाग के लिए उपयोगी है? तो दिमाग का 60-70% जो हिस्सा जो है ना वो काहे से बना है? ओमेगा 3 फैटी एसिड जिसको बोलते हैं, जिसके दो मेंबर हैं, इकोसा पेंटोनोइक एसिड, डोकोसा हेक्सोनोइक एसिड, जिसे दिमाग के नर्व सेल्स न्यूरॉन्स जो है ना उनके निर्माण में बहुत बड़ी सहायता इनकी होती है। तो ये खाओगे तो आपका दिमाग जो है बहुत अच्छी तरह से काम करेगा और उसकी बनावट भी उसी प्रकार से है। जैसे दो स्फीयर है हमारे दिमाग के भी दो स्फीयर है। तो अखरोट खाओ रोज, कितना खाओगे? 3 से ज्यादा मत खाना। 3 का मतलब क्या होता है? 6 स्फीयर 6 है, उसके दो होते हैं ना, एक में दो। बादाम खाओ 8-9-7-8 बादाम खाया करो। मूंगफली खाओ, तिल खाओ, सोयाबीन खाओ, अलसी, सबसे बढ़िया अलसी होता है फ्लैक्सीड, जो ओमेगा 3 का भंडार है। तो ये जो है शाकाहारियों के लिए बहुत अच्छा है दिमागी ताकत बढ़ाने के लिए। मछली भी बहुत अच्छा है, मछली में टूना है, मैकरेल है, सामन है, जिसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है। समुद्री मछलियां साफ सुथरी जगह की अच्छी तरह से होती हैं। तो ये जो है और ये जो चीजें बता रहा हूं ना, ये दिमागी बीमारी से मुक्त करता है। ये ध्यान रखो, जिनको दिमाग संबंधी बीमारी है, डिप्रेशन है, ऑब्सेशन है, सिजोफ्रेनिक बिहेवियर है, पैरानॉइड है, आपके तो इन सब से मैनिक डिप्रेशन साइकोसिस है या जो भी इस प्रकार साइकोसिस हो, चाहे साइकोन्यूरोटिक हो, उन सब में लाभ करता है। साइकोसोमेटिक इन सब में ये जो है ना चीजें लेना करो। तो एक्सरसाइज,
प्राणायाम ध्यान मेमोरी को बढ़ाने। कौन है श्रीनिवास राजू जी? तो ध्यान रखना, बिल्कुल मेमोरी बहुत शानदार ढंग से बढ़ जाएगी। और ये देखो, एक तो क्या है कि लोगों की एक बड़ी विचित्र कथन है कि भाई 60 साल के हो गए तो सठिया गए। अरे सठिया में कोई जरूरत ही नहीं है। सीधी सी बात है, हमेशा ध्यान रखा करो कि दिमाग को जितना काम में लोगे ना, दिमाग उतना उसकी ताकत बढ़ती चली जाएगी। जिस अंग को ताकत, क्योंकि दिमाग को काम में लेने का मतलब क्या है, उसकी जो है क्षमता को आप बढ़ा रहे हो। तो दिमागी ताकत बढ़ाने के लिए उसको काम में लो। उसको छोड़ दोगे ना तो नई नई भाषाएं सीखा करो। दिमागी ताकत बढ़ाने में सबसे बढ़िया भाषा जानते हो क्या है? संस्कृत और चाइनीज भाषा। ये दो भाषा दिमागी ताकत को बढ़ाने वाले होते हैं, चाइनीज भाषा और संस्कृत भाषा। और अभी वैज्ञानिकों ने खोज किया कि देखो, खेलने में रुचि रखा करो, खेलो, खेलने में रुचि रखो, उससे भी दिमागी ताकत बढ़ती है। कुछ भी खेलो, कबड्डी खेलो, क्रिकेट खेलो, फुटबॉल खेलो, आउटडोर गेम। और इनडोर में सबसे बढ़िया ताकत बढ़ाने का जो वैज्ञानिकों ने बहुत खोज की है इस क्षेत्र में, कई वैज्ञानिकों ने खोज किया, और वो क्या है? शतरंज, चेस, जो दिमागी ताकत। और वैज्ञानिकों ने खोज किया बच्चों को शुरू से सिखाना चाहिए चेस, तो दिमाग के कुछ क्षेत्र बहुत अच्छे तरह से डेवलप हो जाते हैं, हिप्पोकैम्पस एरिया, उसमें निर्णय लेने की क्षमता पैदा हो जाती है। परिस्थिति से हम कैसे जूझे इस पर वैज्ञानिकों ने खोज किया कि परिस्थिति से जूझने की क्षमता हमारे अंदर पैदा हो जाती है, कि कोई विषम परिस्थिति आ जाती है तो हम उसे अच्छी तरह से लड़ सकते हैं, जूझ सकते हैं। तो ये ताकत बढ़ाने की, हाउ स्किन कैन बी टेकन केयर, सबसे बढ़िया है। कभी मौका मिले सप्ताह में एक दिन मिट्टी लगाया करो सारे शरीर में। गांव में लोगों के लिए बहुत अच्छा सुविधाजनक रहती है स्किन इन्फेक्शन से लड़ने के लिए, क्योंकि देखो एक वर्ग सेंटीमीटर में आपके 16 लाख कीटाणु होते हैं। ये जो ऐसे ऐसे निकालो निकलता है ना, उसमें बहुत सारे कीटाणु होते हैं। और ये समय क्या है कि हम लोग बहुत सारा साबुन लगाते हैं, बहुत सारे केमिकल वाली चीजें लगाते हैं, उससे क्या होता है, हमारे स्किन का जो है ना प्रोटेक्टिव लेयर डिस्टर्ब हो रहा है, क्योंकि केमिकल है ना। अरे हमारी स्किन पर ये भी ध्यान रखो, जैसे हमारे पेट के अंदर प्रोबायोटिक्स होता है, हमारी स्किन पर भी प्रोबायोटिक्स होता है जो हमारे बाहरी रोगों से, रोगाणु से रक्षा करता है। जैसे कीटाणु होता है जिसको बोलते हैं स्टेफलोकोकस एपिडर्मिडिस, जो हमारे त्वचा के ऊपर एक खास प्रकार का ऑर्गेनिक मटेरियल पैदा करता है जिसको बोलते हैं 6N हाइड्रोक्सी एमिन प्यूरिन। तो ये 6N हाइड्रोक्सी एमिनो प्यूरिन जो है ना, ये कैंसर जैसे रोगों से रक्षा करता है। ये कौन बनाता है? हमारे त्वचा के ऊपर रहने वाला एक खास प्रकार का बैक्टीरिया,